उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जबरदस्त सा ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप वेव कर्ल्स जो है वो किस तरह से बना सकते हो। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि मेरे बालों में बड़े खूबसूरत से कर्ल्स जो है वो बने हुए थे, तो वो कर्ल्स आप किस तरह से बना सकते हो ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जी तो अभी सबसे पहले हम लोग इस मशीन की अनबॉक्सिंग करेंगे। किमी ब्रांड है जो इसकी ये मशीन है, जो कि आपको ऑनलाइन ही मिलेगी और मुझसे ही मिलेगी। अगर आप लोगों को ये मशीन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये दिखती है कुछ इस तरह की, जैसा कि आपने अक्सर देखा है कि ड्रामास में आजकल वेव कर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है। इसके अलावा हेयर कलरिंग के लास्ट पर जो फिनिशिंग आपको दिखाई जाती है उसमें जो वेव कर्ल्स बनाए जाते हैं उसके लिए भी यही वाला टूल जो है वो यूज़ किया जाता है। बहुत मज़े का और इंटरेस्टिंग टूल है ये। इसको यूज़ किस तरह से करना है, बिल्कुल सिंपल वे है इसको यूज़ करने का, सेम एज इट इज़ जैसे आप क्रिम्पर यूज़ करते हो अपने बालों में हल्का हल्का पम करने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से आपने इस मशीन को यूज़ करना होता है। सिंपली आपने एक सिंगल स्ट्रैंड लेनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा बारीक हो, तो आपने उसके ऊपर इसको रखना है और थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, कम से कम भी 5 सेकेंड, और देन आपने इसको उठा के और आगे की तरफ ले जाना है। बिल्कुल क्रिम्पर की तरह आप इसके साथ जो है वो वेव कर्ल्स बना सकते हो अपने बालों पर, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अभी लास्ट कुछ मंथ्स से मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस जो है वो मेरे बिज़नेस नंबर पे, अकाउंट पे जो है वो रिसीव हो रहे थे, जिनमें पूछा जा रहा था कि ये जो वेव वाले कर्ल्स हैं ये किस तरह से बनाए जाते हैं, इसकी क्या ट्रिक्स हैं, हमारे साथ कुछ टिप्स शेयर करें, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। या फिर अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब भी आप हेयर डाइज़ की वीडियोज़ देख रहे होते हो, जैसे कि आजकल कैसर ब्लोज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेयर डाई पर काम कर रहा है, तो फिनिशिंग में जो है वो ये वाले कर्ल्स जो है वो मोस्टली बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से बनाए जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए इस बारे में। दैट्स वाई मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर सर्च करनी चाहिए और आप लोगों के साथ ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए कि आप घर पर बैठ के जो है वो वैसा लुक अचीव कर सको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट पर आप सैलून पर जा सको। तो आपके पास घर में ही ऐसी मशीनरी, ऐसा जादू आपके पास घर में होना चाहिए कि आप वो यूज़ करो तो ऐसा लगे कि जैसे आप पार्लर से तैयार होकर आए हो, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद ये टूल आखिरकार ढूंढ निकाला और फिर मैंने सोचा कि इस पर प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के साथ। पहले मैंने सोचा कि मैं इसकी स्टोरी बनाऊँगी छोटी सी और जस्ट उसमें बता दूँगी कि ये है वो मशीन, ये है वो रॉड जिसके साथ आप वेव कर्ल्स बना सकते हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे व्यूवर्स हैं वो बिगिनर्स हैं, उनको इतनी आसानी से समझ नहीं आने वाली, क्योंकि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो बिगनर्स ही हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आपको यूज़ करके दिखाऊंगी ताकि आप इसकी वर्किंग देख सको, आप इसके रिजल्ट्स देख सको, आप फाइनल लुक देख सको कि ये किस तरह का लगता है। यूज़ करना बिल्कुल ही ज़्यादा जो है वो आसान है, बिल्कुल क्रिम्पर की तरह, जो कि मोस्टली लड़कियाँ अपने घरों पर जो है वो घरों में जो है वो क्रिम्पर अक्सर अपने बालों में कर लेती हैं या मीडियम बनाकर सो जाती हैं, सुबह उठ के खोलती हैं तो पम वाला लुक जो है वो आ जाता है। तो ये उसी टाइप की है, जो उसी टाइप की जो है वो ये मशीन है, लेकिन इसका जो वेव है वो थोड़ा बड़ा है क्रिम्पर की निस्बत, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, एक यूनिक सी डिफरेंट सी चीज़ है। आजकल टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा इन हो रहा है ये स्टाइल, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप इस मशीन को परचेज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक नंबर मेंशन कर रही हूँ जहाँ से ऑर्डर करके आप इस मशीन को जो है वो ऑर्डर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है इसकी, दैट्स व्हाई मैं नहीं बता रही, लेकिन स्क्रीन पर जो नंबर मैंने आपको मेंशन किया हुआ है आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे तो वहाँ से आपको कम्प्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी इस मशीन के बारे में, या फिर सैलून से रिलेटेड कोई भी मशीनरी या कोई भी सामान आपको चाहिए तो आप ऑर्डर पर उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर पर सामान जो है वो मंगवा सकते हो। अभी जो मेकअप लुक मैंने अपने फेस पर क्रिएट किया हुआ है, ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा मेकअप लुक जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, आप सीखना चाहते हो इस मेकअप लुक को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं आप लोगों के साथ इस मेकअप लुक पर जो है वो कंप्लीट वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप इस मेकअप लुक को जो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा ये मेकअप लुक जो है ये आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी पार्टी पर, किसी भी इवेंट पर। इसके अलावा और भी बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ मेकअप की, लेकिन जिस हिसाब से मैं मेहनत करती हूँ उस
हिसाब से मुझे आजकल रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखा करें, क्योंकि वो 5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है, उसके पीछे कितने घंटों की मेहनत होती है शायद ये आप लोग नहीं जानते। ठीक है, तो सलोन भी मैं रन करती हूँ और उसके साथ साथ वीडियोज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बदले में सिर्फ आप लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए होती है कि आप लोग अप्रिशिएट कर दिया करें, वीडियोज़ को उन लोगों तक पहुँचा दिया करें जिनको इनकी वाकई ज़रूरत है। ठीक है, तो आप काम पर प्रेफर करेंगे तो ऑब्वियसली आप घर बैठ के अच्छा खासा काम सीख सकते हो, अपना सलोन बना सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो मेरी वीडियोस के थ्रू, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक ऑनर फील होगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये सुनकर आप लोगों से कि आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो और मेरे सारे की सारी मेहनत जो है वो वसूल हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करते रहा करें ग्रुप्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ, जिन लोगों की हेल्प मैं करना चाहती हूँ, उन लोगों तक मेरे वीडियोस जो हैं वो पहुँच जाएँ। अभी आप फाइनल रिजल्ट जो है वो देख सकते हो कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे बाल, कितना मज़े का पम जो है वो आ गया है बालों में, वॉल्यूम आ गया है। तो ऐसे लोग जिनके बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं तो वो ये हेयर स्टाइल जो है वो कैरी कर सकते हैं अपने बालों को वॉल्यूम देने के लिए, जैसा कि मेरे हेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हैं तो मैं ये हेयर स्टाइल जो है वो बनाती हूँ। मोस्टली मैं ज़्यादातर जो है वो पर्मिंग करती थी पहले, या स्ट्रेटनर वाले कर्ल्स बना लेती हूँ मैं कभी इवेंट पर जाना हो। तो किमी की ये ज़बरदस्त सी मशीनरी जिसके साथ आप मज़े का पम लुक जो है वो अचीव कर सकते हो, अपने बालों को वॉल्यूम देख सकते हो, ये मज़े की मशीनरी जो है ये आप ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस मशीनरी को ऑर्डर पे मंगवा सकते हो और ये मज़े का लुक क्रिएट कर सकते हो। होप सो वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।